डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने या हमारा जो लेक्चर टॉपिक चल रहा है वो है वुंड्स और उसके टाइप्स हम लोग कवर कर रहे हैं। आज उसकी टाइप्स ये लास्ट है ना। इसके बाद यानी कि एब्रेशन, ब्रूस, इनसाइज वुंड, लेसिरेशन और ये जो स्टैब वुंड है ना, आज ये क्या होगा, पूरी तरह से ये मुकम्मल हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसलिए कि आपका पूरा एक खाका बन चुका है ना, कि इस जो है वुंड में या उसका जो हेडिंग है उसके कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है ना, किस किस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देना है, ये आपका एक जहन खाका बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये स्टैब वुंड है ना, जिसे पंचर वुंड जिसे कहते हैं, अगर मैं इसके बारे में आज आपके बारे में गुफ्तगू करूँगा तो ये समझता हूँ इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको हम लोग थोड़ा से रवानी के साथ हैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इबारत नहीं पढ़ता हूँ है ना, यानी सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा, बस इसकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप उसको जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख करके उसको आराम से और सुन करके उसको समझने की कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद में अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो हम इस पर भी डिस्कशन बाद में कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि स्टैब वुंड इज़ एन इंजरी। अच्छा, जर्जरा या वक्जिया या इसे कहते हैं कि नाफिदा कहते हैं, ये वो जख्म को कहते हैं जिसकी गहराई ज़्यादा होती है, यानी लंबाई और उसका चौड़ाई, तूल और अर्ज जो है ये कम होते हैं, है ना। ये जख्म किसी नोकीले नोकदार आले से पैदा होते हैं, मसलन बल्लम हुआ, बर्ची हुआ, चाक हुआ, पेचकस हुआ, ये सब चीज़ों से ये होता है। अब इसकी तस्वीर अगर आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये मल्टीपल स्टैब वुंड की मिसाल है जो कि बैक साइड से है ना पंक्चर की गई है, यानी उसे पीछे साइड की तरफ से वार किया गया है ना, इसको जख्मी किया गया है। तो ये तस्वीर उसकी तरफ रहनुमाई कर दी। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इसकी क्या है, है ना। कह रहे कि स्टैब वुंड में गहराई में जख्म ज़्यादा होते हैं बिलमुकाबिल है ना किसकी चौड़ाई के, है ना, यानी चौड़ाई ज़्यादा नहीं मिलेगी है ना, बस इसमें क्या है गहराई इसमें ज़्यादा होती है पंक्चर बुंड को, है ना, ये या स्टैप बुंड में ये चीज़ बता रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि जो है उसका जो पॉइंट है ना, किस आले से ये जख्म पैदा किया गया है, क्या कि पेचकस से है या कि और कोई चीज़ से, है ना, ये सब जो है इसके उसके पॉइंट देख करके है ना उसके शार्प कितनी थी ये मालूम किया जाता है, वो जो आला कौन सा रहा होगा। और जैसे मिसाल तो जैसे चाकू है उसका डगार है या नेल है, निडिल है ना, एरो है, इन सब चीज़ों को देख करके मालूम कि जख्म को देखने के बाद मालूम होता है कि ये क्या चीज़ रही हो सकती है। और नंबर तीसरा पॉइंट है कि स्टैब वुंड जब ये टिश्यू से होते हुए है ना बॉडी कैविटी में दाखिल होते हैं, मसलन एब्डोमिन हुआ या थोरैक्स में, है ना, तो उसको वहाँ पर पेनिट्रेटिंग वुंड कहते हैं। अदरवाइज तो क्या होता है, स्टैब वुंड के वाले में होता है कि आदमी चाकू मारता है ना, तो लेकिन अभी हजार से बोन वगैरह पे तो लगेगी नहीं चाकू, है ना, अगर लगेगी भी तो उतना पेनिट्रेट करेगी नहीं, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर जो है हालो विसरास है या खास तौर से कहिए कि एब्डोमिनल कैविटी है ना और या थोरैक्स कैविटी है, यहाँ पर जो जख्म होता है अगर स्टैब वुंड से लगाया जा रहा है, स्टैब से लगाया जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं पेनिट्रेटिंग वुंड कहते हैं। और नंबर फोर्थ कह रहे हैं कि ऐसा ना जिसका पॉइंट जो है ना अगला हिस्सा जो है वो सिलिंड्रिकल शेप हो या जो है कॉनिकल शेप हो, तो जब वो अंदर दाखिल होने के बाद क्या होगा कि उसका जब बाहर आदमी खींच कर लेगा, पुल कर लेगा, तो उसके बाहर का जो मार्जिन होगी वो क्या होगी, सर्कुलर मार्जिन होगी, सर्कुलर शेप होगी। अब आइए फ्रेंड्स की नंबर पाँचों पॉइंट बात करते थे, कह रहे कि जब ये पंक्चर बोन ना हिडन हो यानी आंखों से दिख ना रहा हो, है ना, तो मुतासर शख्स की इस जान सकता है कि उसको चोट लगी है ना, उसको यहाँ पे जख्म पहुँचाया गया है, उसको तो उसको हालत को कहते हैं कंसील्ड वुंड कहते हैं, कंसील्ड वुंड कहते हैं। जैसे ये हालत होती है फ्रंटिलेंस में किसी की, है ना, किसी ने चोट पहुँचा दी, उसके बाद क्या होता है फ्रंटिलेंस में पहुँचा दी थी लेकिन वो अब फिर अपने जल्दी से क्या होता है वो बंद हो जाता है ना, तो आदमी अंदाज़ नहीं कर सकता। या आँख के इनर कैंथस ऑफ आई है, अगर यहाँ पर किसी ने कोई चीज़ चुभा दी है ना, फिर वो क्या है कि वो अंदर की तरफ जख्म तो है अंदर बॉडी के, उसके है ना आई के, आईज की बॉडी है उसके अंदर चलेगा जख्म है लेकिन वो बाहर तरफ दिख नहीं रहा है, तो वो क्या है कि कैंसिल बुन की कैटेगरी में वो चीज़ आएगी। ऐसे ही किसी ने कान के अंदर क्या कर दिया हो, उसके टेम्पलिंग मेमोरी वगैरह में पेटेट करके ब्रेक कर दिया हो, रप्चर कर दिया हो, तो ये है फ्रेंड्स है ना। और नंबर छठा पॉइंट है कि इन दमाले जख्म के खुरंड के जरिए होता है, यानी कि ये तभी पूरा होता है जब ये खुरंड पैदा होगी, उसके बाद जो है जख्म का इंदमाल हो जाएगा। तो ये थी हम लोग जो है फ्रेंड्स जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम इसकी बात करेंगे इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है ना, तिब्बे कानूनी हैसियत क्या है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं मेडिको लीगल। कह रही स्टैब वुंड्स आर मोस्टली सुसाइडल और होमिसाइडल, कि स्टैब वुंड मोस्टली कह रहे हैं कि जो है ना ये सुसाइडल हो सकता है या कि जो है किसी के साथ कत्ल किया गया, ये कंडीशन इस स्टैब वुंड में मिलती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये एक्सीडेंटल होता है तो ये बहुत ही रेयर होता है, एक्सीडेंटल ऐसा नहीं होता, क्योंकि चाकू वगैरह जो होती है या बल्लम वगैरह जो अगर है तो वो ऊपर साइड में खड़ा रहता है ना, या नाइफ वगैरह है तो वो जमीन के साइड में पटक साइड रखी होती है। हाँ, अगर एक चीज़ हम ये गौर करें तो जैसे खासतौर से वो जो आप देखे होंगे फिश कटिंग जो करते हैं,
ठीक है ना। तो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है क्या कि वो पैर से लटक करके है ना, और नोकीला निकला रहता है, ठीक है। अब अगर जाहिर सी बात कोई हादसा तौर पर वहाँ गिर जाएगा तो जाहिर सी बात उसे जख्मी हो, तो यानी इम्कान हैं लेकिन रेयर होता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसके नंबर एक पॉइंट की, क्या है कि ये स्टैम्प वुंड ये सुसाइडल और होमसाइडल ज़्यादा होते हैं, है ना, नेचर के होते हैं, एक्सीडेंट कम होते हैं। फिर कह रहे हैं कि पोजिशन यानी पुश के बल है या पेट के बल, जख्मों की तादाद कितनी है और जख्म की जहत किस तरफ की है, ये लेफ्ट है या राइट है, फ्रंट है या बैक है, है ना। तो जो है अगर फ्रंट से है तो मुजामती निशान मिलेंगे, यानी क्या कि मकतूल ने जो है कोशिश किया होगा, है ना, अपने आप को बचाने के लिए। और अगर बैट से है तो इसका मतलब कि धोखे से मारने की कोशिश किए जा सकते हैं, है ना। तो इसके जरिए से मालूम किया जाता है इस तरह से कि उसके साथ क्या कंडीशन रही होगी। और तीसरा पॉइंट है कि जख्म की शक्ल, आले की दर्जा यानी किस कैटेगरीज का ये है, ना, जख्म की शक्ल देखेंगे, उसके बाद ये मालूम कर जाएंगे कि वो आला जो है ना जिससे जख्म पहुँचाई गई किस कैटेगरी यानी किस क्लास का है, यानी कि कैटेगरी मतलब ये मान के चले कि यानी लंबा था यानी बल्लम जैसे बर्छी थी, है ना, इस तरह। या तो अगर मान लीजिए उसके क्लास ऑफ कैटेगरी और बात करें तो जैसे तलवार की धार जो जो होती है या चाकू की जो शेप होती है या गड़ासे की जो होती है, तो ये क्या इसकी अपनी कैटेगरी, तो ये जख्म देख करके मालूम किया जाता है कि वो क्या चीज़ रही होगी, है ना, वो आला जख्म क्या रहा होगा, तो जख्म देख के मालूम किया जाता है। जख्म की गहराई से, नंबर चौथा पॉइंट है, जख्म गहराई से जख्म की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जाता है, यानी कि गहराई का ज़्यादा है इसका मतलब क्या कि वो तो कातिल ने जो बहुत शिद्दत के साथ, है ना, बहुत गहरा जख्म उसको, है ना, लगाया होगा या पूरी ताकत के साथ वो जख्म उसने पैदा किया होगा। और नंबर पाँच का पाँचवा पॉइंट है कि डायरेक्ट और डायरेक्शन और डायमेंशन ये कातिल मकतूल की हालत की तरफ रहनुमाई करते हैं, यानी कि डायरेक्शन क्या रहा होगा, है ना, कि कातिल ऊपर था या मकतूल ऊपर था, है ना, क्या क्या हमारे मकतूल को लोगों ने पकड़ रखा था, है ना, कातिल से वार कर रहा था, तो ये सब क्या चीज़ है कि ये सब चीज़ें, है ना, उसकी हालात को उस डायमेंशन और डायरेक्शन को देखने के बाद मालूम किया जा सकता है। नंबर छठा पॉइंट, जख्म ताज़ा है या पुराना है, ये भी जख्म को देख कर पता लगाया जाता है, जाना जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी, है ना, उसके जो तिब्बे कानूनी अहमियत थी, है ना। अब हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, सब्सटांसिस ऑफ इंसाइज एंड स्टैम्प वुंड, यानी कि अभी आपने पढ़ा था अभी इंसाइज वुंड के बारे में, है ना, उसमें भी क्या होता था कि शार्प अब है ना आले से क्या होता था उसमें भी कट होता था, ठीक है ना, वो स्कैल्पेल हो गया, नाइफ हुआ या तलवार, वो भी इसमें आता था। लेकिन इसमें क्या स्टैम्प वुंड, यानी कि स्टैम्प वुंड कहते हैं कि अंदर में बॉडी के जाता है, यानी कट करते हुए क्या अंदर जाता है, ठीक है ना, एक तरह के पंचर, यानी कि एक तरह पेनिट्रेटिंग वुंड की कैटेगरी में। तो कह रहे हैं कि अगर ये हालत होती है तो दोनों अगर जमा हो गए तो किस तरह से, है ना, दोनों के साथ हम मालूम करेंगे, जानेंगे। तो इसके ताल्लुक से ये है कि अगर हम पहले बात करें एक्सीडेंटल, अगर है ना, अगर एक्सीडेंटल का नेचर का हुआ तो क्या होगा उसमें, कि इसमें ये होगा कि जो है शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना, हादसाती तौर पर कोई गिर जाता है, है ना, ये ऐसा बहुत कम ही होता है कि एक्सीडेंटल होता है कि कोई शार्प चीज़ों पर कोई आदमी गिरे। नंबर दूसरा कहते हैं कि तेज़ और नोकेले शीशे की इम्पैक्ट मिलेंगे, यानी कि तेज़ और शीशा क्या होता है वो उसमें क्या होता है कि इंसाइज कहिए कि वो नकीला और तेज़ होता है, धार होती है उसके अंदर, और चूंकि उसके लंबाई में होता है तो वो पेंट्रेटिंग, है ना, तो वो नोकीला भी होता है, है ना, कि इसको निशान मिलेंगे, ये मतलब यानी कि शीशे किसी से जरिए से टुकड़े से इसको जरिए बहुत नुकसान पहुँचा गया, खासतौर से जो अगर आप फिल्म वगैरह में देखें तो उसमें क्या होता है बॉलीवुड हीरो जो होता है वो बोतल को, है ना, दारू की तोड़ करके, है ना, और जो विलन होता है उसके सर पे दे मारता है या उसके पेट में दे मारता है, तो क्या है तो वो यहाँ पर ही उसके ना तेज़ भी है और नोकीला है ना, एक तरह का क्या आला हो जाता है वो। और नंबर तीसरा यानी सी पॉइंट, है ना, रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसे हादसा होते रहते हैं, है ना, जब गहरी दातन जैसे चाकू से ब्लेड वगैरह से क्या होता है जख्म लगते रहते हैं ना, इस तरह से मतलब ये होते रहते हैं, ठीक है ना, ये मालूम हो जाएगा कि ये किसी ने मारा नहीं है, खुद से आदमी लग गया है उसके हालत में गहरी इरादी तौर से। अब ठीक है, सुसाइडल वुंड के ताल्लुक से अगर बात करें तो एक्सीडेंटल था, अब सुसाइडल वुंड के ताल्लुक से अगर बात करें तो ज़्यादातर जो है ना केसेस में जो खुदकुशी की सूरत हो सकती है उसमें एक जख्म बहुत होंगे, है ना, और एक दूसरे के मतवाजी होंगे और आसानी से क्या करेगा इसको रेट कर लिया जाएगा, ठीक है ना, आप इसको आसानी से पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बता चुकी है कि अगर कोई कातिल है कोई दाहिने हाथ से काम करता है तो जाहिर बात वो जख्म लगाएगा वो लेफ्ट साइड लगाएगा, है ना, वहीं पर ताकत अगर कोई लेफ्ट हाथ से काम करता है तो वो जो जख्म लगाएगा अपने आप को सुसाइड करने खुदकुशी करने के लिए जो चाकू या जो आले से अपने आप को जख्म करेगा या अपने मारने की कोशिश करेगा तो उसका जो लेफ्ट साइड है तो वो जो है राइट साइड को इससे को क्या करेगा वो जख्म पहुँचाएगा। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स ये हेडिंग है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना, और इसमें देख लीजिएगा मल्टीपल होते हैं ना, थायराइड कार्टिलेज हुआ, डाइहाइड्रेशन हुआ, ये सब चीज़ें कटती हैं इसके अंदर, है ना, 20-23 बुढ़ हो सकता है आदमी जोश में आकर के, है ना, कि बस मुझे मरना ही है, तो आप जो है फिर वो कितने भी जख्म अपने को पहुँचा ही लेता है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं लास्ट की होमिसाइडल की, यानी कि
होमिसाइडल वुंड्स यानी कि कत्ल की सूरत में जिसमें जगह जगह जख्मों के निशान मिलेंगे, है ना। जो आदमी किसी का कत्ल करता है ना, तो मकतूल जो होता है उसके जख्म में जिसमें जगह जगह वुंड के निशान मिलेंगे, है ना, और डिफेंस वुंड भी मिलेगा। और तो ऐसी जगह जख्म मतलब अब ये तीसरा पॉइंट है, ऐसी जगह जख्म मिले जहाँ पर मोस्टली नहीं होता है ना, कि इंसान का क्या है, आदमी बचता है, चले ये जगह अगर मार रहा है तो उसको कर रहा है तो अगर अगर लेकिन ऐसी जगह पर वो मिलता है मतलब खास होता है ब्रेस्ट के एरिया हुआ, जेनिटल्स एरिया में, है ना, चाकू का निशान मिल रहा है तो इससे मालूम क्या कि वहाँ पर क्या उसके साथ जिनसी जुर्म की तरफ क्या करेगा रहनुमाई किया गया, साथ बहुत ज्यादा हुई होगी और इसको बहुत ही तकलीफ हर तरह से पहुँचाई गई है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वुंड्स और उसके एग्जाम की टाइप को जो मैं आपने पढ़ लिया है ना, मैंने उसका लेक्चर दे दिया। और आप हम आपके बाद बारे बात करेंगे कि जख्म आतिशी यानी फायर आर्म क्या होता है उसका इंजी, तो उसकी भी वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है तो मैं उसको भी इंशाल्लाह आसान से या जब आप देख लेंगे आपने इसको लिख लिया है ना या आपने इसको नोट कर लिया या इसको समझ लिया पढ़ लिया, मैं इसकी सभी PDF दे दूंगा, है ना, PDF बना रहा हूँ, जैसे बन जाएगी मैं आपको फॉरन उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप इसको टेंशन ना लीजिए। लेकिन ये कि अभी आप जाइए यूट्यूब पर, वहाँ से आप व्यू करिए, क्योंकि व्यू अगर आप करते हैं स्टूडेंट तो हमें क्या होता है ना कि यूट्यूब हमारा वो देखता है स्टेटस है कि कितने लोग इनके व्यूज़ हैं, तो आपको ये लगता हो कि सर इतना जोर क्यों देते हैं, मैडम इतने जोर क्यों देते हैं, नहीं, व्यूज व्यूज मतलब ये होता है कि जब व्यूज़ बढ़े ना तो आपको एक कैटेगराइज करेगा यूट्यूब, आपको कैटेगराइज करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपके वीडियो को वो अपने साइट पर पब्लिश कराएगा और दिखाएगा और ऐसी जगह जगह पर दिखाएगा, तो उससे मेरा फायदा क्या होगा, मेरा फायदा से भी होगा ना, मालूम क्या कि कल के अभी कोई WHO का कोई प्रोजेक्ट हुआ या कभी कोई नानी प्रोजेक्ट है, कोई आयुष का प्रोजेक्ट हुआ, तो वो क्या होगा हमें यूट्यूब क्या करेगा उसकी तरफ रहनुमाई करेगा। और मान लीजिए वो मिनिस्ट्री के लोग उस साइट पे गए, वहाँ पे सर्च किया है ना कि इस पे हमें बंदे कहाँ मिल सकते हैं इस काम पर, तो उनको क्या है कि एक प्रोजेक्ट अगर जहन में आएगा तो वो हमको क्या उससे भी मिल सकती है कि क्या उनको एक गाइड मिल जाएगी, हाँ मुझे यहाँ पे ये चीज़ ये बंदे यहाँ से प्रोवाइड हो सकते हैं, तो हमें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बस यही इसका मकसद है और सब कुछ नहीं। और जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह बाकी बात होती रहेगी। तो ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ से अपने इसको ख़त्म करते हैं, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नए टॉपिक नए लेक्चर का, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है।